बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो वीडियो है वो एजीएम से रिलेटेड है, क्योंकि एजीएम की फाइनल डेट अनाउंस हो चुकी हुई है। 15 जनवरी 2 बजे एजीएम कंडक्ट होगी जी के ब्लॉक के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर आईबी के। तो इस एजीएम के अंदर ये क्या क्या इन्होंने डिस्कस करना है, एजेंडा इन्होंने वाजह कर दिया है अपना। मैं आज इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट बताऊंगा कि ये जो एजीएम होने जा रही है इसमें क्या कुछ खबरियां हैं, या क्या कुछ जो है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी, या क्या चेंजिंग आएगी। ये सारा कुछ भी डिटेल जो है मैं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ये आप लोगों का मेरे लिए फीडबैक होगा। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। एजीएम 2024 जो कि फाइनल डेट अनाउंस हो चुकी हुई है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है 15 जनवरी 2024 को के ब्लॉक आईबी जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में, वहां ये कंडक्ट होगी। और इस एजीएम में मैं आज आपको पहले भी मैंने फर्दर बताया और अभी भी सबसे पहले ये बता दूं कि इस एजीएम के अंदर सिर्फ सिटिंग वही लोग करते हैं जो आईबी के एम्प्लॉयज हैं, रिटायर्ड हैं। सिविलियंस इस एजीएम में सिटिंग नहीं करते और ना ही उन्हें अलाउ है। एजीएम का जो एजेंडा उन्होंने मेंशन किया है सोसाइटी में, उसके जो बेसिक कोर पॉइंट है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस जो एजेंडा है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं कहूं कि वो पॉजिटिव है, या जिससे कोई मार्केट के हालात बेहतर होने के चांसेस नजर आ रही हों। उसकी रीजन ये है कि लोगों को सबसे पहले तो इस एजीएम से जो एक्सपेक्टेशन थी वो सबसे पहले थी कि डेवलपमेंट कहाँ कहाँ स्टार्ट हो रही है, ये उस पर बात करेंगे, जो कि एजेंडे के अंदर नहीं डिस्कस किया कि हम कहाँ कहाँ डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, हम आपको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, लोगों को सबसे जो बेसिक ये चीज़ थी कि जहाँ इनके पास लैंड क्लियर है वहाँ ये कब पोजेशन दे रहे हैं, यहाँ जहाँ कुछ इन्होंने स्ट्रीट्स कंप्लीट की हुई हैं वहाँ थोड़ा बहुत काम रिमेनिंग है जिन ब्लॉक्स के अंदर, तो उनका कब पोजेशन दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ अनाउंस नहीं किया इन्होंने। थर्ड, जो बैलेटिंग से रिलेटेड थी, जो थर्ड फाइल की बैलेटिंग थी उससे रिलेटेड लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो भी इसमें मेंशन इस तरीके से नहीं की गई कि वहां से हम इसको जो है वो एनालिसिस करेंगे इसमें बैलेटिंग होने जा रही है या नहीं जा रही। उसके बेसिक कोर पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा जी तिलावत कुरान पाक के बाद जो है ना वो डिस्कस किया जाएगा कि जुलाई 2023 में जो एजीएम कंडक्ट हुई थी उससे लेकर टिल डेट तक 15 जनवरी 2024 तक क्या क्या जो है वो अकाउंट स्टेटमेंट थी, उनका क्या ऑडिट रहा, क्या हमने जो है ना वो प्लानिंग थी हमारी और उसमें हमने क्या क्या किया, ये सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा जो पास्ट में है। अब अगर यहाँ बात की जाए कि जो पास्ट में इन्होंने अनाउंस किया था, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से कोई भी इन्होंने बात पूरी की थी जो लास्ट एजीएम इन्होंने अनाउंस की थी। इसमें इन्होंने सबसे पहले ये डिस्कस करना है जी हमने जो पहले काम किए थे वो उनको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद दूसरी बात, इन्होंने जो डिस्कशन ये की इसमें एजेंडे में ये मेंशन है कि जितने भी जो रिवाइज प्लान था, मैप रिवाइज प्लान था, उसको हमने अप्रूव करवा लिया हुआ, कितना अप्रूव करवा लिया या वो बताया देंगे। थर्ड जो एजीएम के अंदर पॉइंट है वो ये डिस्कस किया गया कि जो ड्रीम हाइट्स के अपार्टमेंट थे उनसे रिलेटेड जो फास्ट ट्रैक सिस्टम अनाउंस किया था उसको जो कैंसिल किया गया वो डिस्कस किया जाएगा, और फर्दर इसका क्या लायामल होगा या इसके ऊपर अभी तक कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है या आगे फ्यूचर में इसके साथ क्या करेंगे ये डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ एक बात कुछ पॉजिटिव ये नजर आ रही है कि जिनके पास अपडेटेड अपार्टमेंट है और वो आईबी के एम्प्लॉयज हैं या वो अगर सिविलियंस हैं तो उनके पास जिससे उन्होंने अपार्टमेंट खरीदा हुआ है उसके पूरे चेक हैं जो रिमेनिंग जितनी भी अमाउंट के हैं, तो उनके लिए शायद कोई अच्छी खबर यहाँ आ जाए कि ये उनको डिलीवर करने से रिलेटेड या कोई ऐसी उनके लिए एक्साइटेड न्यूज हो के वो जो उनके लिए पॉजिटिव हो जाए, ये इस पॉइंट के अंदर कुछ नजर आ रही है जो ड्रीम हाइट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद उन्होंने मेंशन किया हुआ कि हमने जो ए एग्जेक्टिव 2, ए एग्जेक्टिव प्रीमियम, एफ एग्जेक्टिव 1-2 की जो बुकिंग की थी उसके ऊपर हमने कितनी बुकिंग की वो डिस्कस किया जाएगा। मार्केटिंग कंपनी स्टार मार्केटिंग ने कितने प्लॉट यहाँ सेल किए, क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ, इस पर बात की जाएगी। और इन तमाम ब्लॉक्स की जो ये डिस्कस किए, एग्जेक्टिव 2, एग्जेक्टिव प्रीमियम, एफ एग्जेक्टिव 1-2 और एफ एग्जेक्टिव और ई एग्जेक्टिव प्लस फोर्थ फाइल और कन्वर्टेड फाइल की क्या जमीन हमने क्लियर करवा ली है वो भी डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पर जो बेसिक लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये फोर्थ फाइल को बैलेट करेंगे या थर्ड फाइल को, जो बैलेटिंग वाली बात थी, अब यहाँ इन्होंने
थर्ड और फोर्थ का नाम इस्तेमाल हुआ है इन अ सेंस, जिस तरह के पिछली दो तीन एजीएम के अंदर यही कहा गया कि हमने 17,000 कनाल जगह चाहिए हमें, हमने 4-5,000 कनाल जो 6,000 कनाल जगह ले लिया, वो कहाँ लिया आई डोंट नो, ना तो वो कहीं विजिबल है ना कहीं उन्होंने वो मेंशन किया, मे बी इन्होंने ली हुई हो लेकिन अभी तक उस जगह को मार्केट नहीं किया गया कि ये जगह स्पेसिफिकली कन्वर्टेड फाइल से रिलेटेड है या ये जगह स्पेसिफिकली फोर्थ फाइल से रिलेटेड है, ऐसा कुछ अनाउंस नहीं है। लेकिन ये एजेंडे के अंदर डिस्कस किया जाएगा कि कितनी जगह क्लियर करवा लिया है, कितनी जगह और क्लियर होनी है, और शायद इस एजेंडे के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ वहां एजीएम के अंदर ये बता दें कि कन्वर्टेड बैलेट हो गई है या कब हो रही है या होने जा रही है, शायद इसका कोई टाइम पीरियड डिस्कस किया जाए, लेकिन एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। उसके बाद वही रूटीन की बातें जो आईबी की फ्लाव बहबूद के लिए जो की गई बातें थी, और सी ब्लॉक की जो एक्सटेंशन अनाउंस की गई थी, जो ए ब्लॉक का कंपाउंड अनाउंस किया गया उसके बारे में डिस्कस किया गया। पूरे जो एजेंडा है उसको मैंने कंप्लीट स्टडी किया, मैंने आपको सिर्फ कोर पॉइंट उसके डिस्कस कर दिए हैं, उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सबसे पहले डेवलपमेंट से रिलेटेड हो कि भाई फोरी फोरी डेवलपमेंट का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं या कहाँ कहाँ हमने स्टार्ट की हुई, इसको कब कंप्लीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं एजेंडे में डिस्कस किया गया। ए एग्जेक्टिव वन और एफ एग्जेक्टिव वन टू की जो डेट अनाउंस की गई थी, जो उन्होंने वो पेपर अनाउंस किया हुआ है उसके बारे में इस एजेंडे में मेंशन नहीं किया कि आया उसको वो उस टाइम के ऊपर कंप्लीट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ऐसा कुछ भी एजेंडे के अंदर डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कहीं बैलेटिंग हो रही है या कुछ भी किया बिफोर टाइम, शायद उसको अनाउंस नहीं भी करते क्योंकि उसके अनाउंस करने के बाद मार्केट में वो जो है ना वो फिजा जो इन्वेस्टमेंट वाली वो बड़ी तेज हो जाती है, प्राइसेस बड़ी हाई हो जाती हैं। मे बी कुछ ऐसे पॉइंट्स हों पॉजिटिव कि जो 15 जनवरी को ही पता चलें जब ये अनाउंस करें सोसाइटी वाले कि हम क्या कुछ अनाउंस करने जा रहे हैं। और एफिलिएशन से रिलेटेड भी इन्होंने बात की थी कि जिन सोसाइटियों के साथ एफिलिएशन, जैसे जम्मू कश्मीर के साथ एफिलिएशन थी, टेलीटाउन की भी बातें की जा रही थी, लेकिन इन रिटर्न किसी का नाम मेंशन नहीं है। एफिलिएशन से रिलेटेड उन्होंने ये कहा है कि उसके ऊपर भी जो है वो डिस्कशन की जाएगी, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। और एट द एंड उन्होंने एक पॉइंट ये डिस्कस किया गया है कि सजेशंस, इलेक्शन का भी मेंशन किया गया, इलेक्शन 2024 को भी डिसाइड किया जाएगा। और एक जो सबसे पॉजिटिव जो मुझे इस एजेंडे में ये लगी है, उन्होंने कहा जी कि आईबी के एम्प्लॉयज की सजेशन के मुताबिक आइंदा लाया अमल जो है ना वो तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि आईबी के एम्प्लॉयज की मे बी इस दफा एजीएम में सजेशंस जो है या उनकी जो बात है, जो एजीएम में वो अपनी आवाज अनाउंस करेंगे वो शायद कोई सुनी जाए, शायद उसके बारे में कुछ ना कुछ बात की जाए। तो ये थी आज की जो एजीएम से रिलेटेड वीडियो, जिसके अंदर 2024 की जो एजीएम अनाउंस की गई है कि उसमें क्या क्या कोर जो एजेंडाज हैं, क्या क्या डिस्कशन होगी, ये एक समराइज सी वीडियो मैंने आपको लोगों को अपडेट कर दिया। मेरी स्क्रीन के ऊपर उसका ये जो एजीएम का नोटिफिकेशन है वो मैं शो भी हो रहा है, और आप लोगों को अगर सेपरेटली किसी को चाहिए मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें, आप लोगों को ये जो एजेंडा है मीटिंग का ये सारा मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप खुद भी इसको रीड कर लीजिएगा। फर्दर कोई क्वेरीज हो गुलबर्ग से रिलेटेड तो ज़रूर मुझसे डिस्कशन कीजिएगा। बाकी एक डेवलपमेंट की इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर पूरी सोसाइटी में जो इस वक्त एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट चल रही है या जहाँ कहीं रुकी हुई है या जहाँ कहीं कोई थोड़ा बहुत भी काम हो रहा है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान, अल्लाह हाफिज़।